हेलो, वेलकम टू वाइस सिक्योरिटीज़। और आज हम लोग वाइस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च पोर्टल पर मार्केट रैप रिपोर्ट की समरी और साथ साथ उसका टेक्निकल चार्ट को हम लोग आज रिव्यू करेंगे। मेरे पास इस वक्त KC 100 इंडेक्स का क्लोजिंग मौजूद है। 45,073 पर आज मार्केट क्लोज हुई है और मार्केट जो क्लोज हुई है वो 45,000 लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, जिसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पॉइंट है 38.2% के ऊपर। पिछले दो दिन में भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई थी, बट मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया था और आज के दिन फिर से इसने आज रीटेस्ट किया है और मार्केट को क्लोज़ किया है 45,000 के लेवल के ऊपर। अगर मंडे वाले दिन हमारी ओपनिंग और मार्केट की क्लोजिंग 45,000 के ऊपर होती है और ग्रीन कैंडल में होती है, तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट वो है जो रीटेस्ट हो चुका है। तो इट्स अ गुड साइन कि अगर आज मार्केट जो है वो 45,000 लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। मेरे पास अब मार्केट की समरी भी मौजूद है। मार्केट ने आज जो इंडेक्स में पॉइंट्स बनाए थे वो 45,125 पॉइंट्स बनाए हैं और इसके बाद उसकी जो चेंज आया लास्ट डे क्लोजिंग से वो नेगेटिव -0.38% का था, और साथ साथ उसकी जो चेंज लास्ट डे क्लोजिंग से -171 पॉइंट्स हैं वो मार्केट ने लूज़ करें। साथ साथ इसका जो ईयरली चेंज है वो 3.13% है और इसका लास्ट ईयर से जो क्लोजिंग चेंज है वो 7.76% है। इसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो कांस्टेंट रहा है 48,981 और 38,568 पॉइंट के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे मार्केट डेटा मौजूद है। मार्केट का पी रेशो 9.154 मौजूद है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। साथ साथ इसका वन वीक रिटर्न -3.83% मौजूद है। साथ साथ इसका वन ईयर रिटर्न मेरे पास 7.76 पॉजिटिव मौजूद है। और इसका आप देखें तो इसकी डे रेंज आज मार्केट की लो 44,861 पॉइंट्स की थी और इसकी हाई जो है वो 45,424 पॉइंट्स की आज इसने बरकरार रखी है। मार्केट में आज रोल ओवर वीक का लास्ट डे था और वॉल्यूम जो है मार्केट का वो लास्ट डे से कम ही था और इंडाइसेस बाकी जितने भी थे वो सब भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुए। मार्केट ने आज 127 पॉइंट्स का हाई बना के इंटर डे हाई 45,424 पॉइंट्स का गेन किया। उसके बाद मार्केट का ने 435 पॉइंट लूज करके 44,861 के ऊपर अपनी लोअर लेवल बनाया और मार्केट जो एंड हुई 171 पॉइंट्स लूज करके 45,125 पॉइंट्स के ऊपर। जैसे मैंने जिक्र किया कि बाकी इंडाइसेस भी नेगेटिव रहे, तो KMI 30 भी माइनस नेगेटिव पॉइंट्स में 165 पॉइंट्स लूज करके 71,979 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ और KC ऑल शेयर भी 123 पॉइंट्स लूज करके 30,817 पॉइंट्स के ऊपर लूज रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स कल हमारे पास 443 मिलियन शेयर्स के थे और आज जो हैं वो 368 ऑल स्टॉक वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हुआ टू 368 मिलियन शेयर्स का। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैंने आज के दिन देखी जो वो हमारे पास मौजूद रही है वर्ल्डकॉल टेलीकॉम में -2.71% की, यूनिटी फूड्स में -3.19% की और बाइकों में -3.32% की। अगर इनके वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वर्ल्डकॉल ने 39.60 मिलियन शेयर्स का काम किया, यूनिटी फूड्स ने 36.07 मिलियन शेयर्स का काम किया और बाइकों ने 29.26 मिलियन शेयर का काम किया आज के दिन। कंट्रीब्यूटर्स जो हैं सेक्टर्स को बढ़ाने वाले या घटाने वाले, तो उसमें जो आज सबसे ज़्यादा मार्केट इंडेक्स को जो है घटाया है वो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर है, जिसने 38 पॉइंट लूज़ करे। सीमेंट सेक्टर ने 37 पॉइंट लूज़ करे और ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 25 पॉइंट लूज़ करके थर्ड पॉइंट के ऊपर आई है। कंपनीज वाइज बात की जाए तो इंडस मोटर्स ने 18 पॉइंट लूज़ करे, मिजान बैंक ने 15 पॉइंट लूज़ करे और के इलेक्ट्रिक ने 12 पॉइंट्स लूज़ करके टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में शुमार हुई है। ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो हमारा रिफाइनरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने 2.84% जो है वो लूज़ किया अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जिसमें जो है वो बाइको पहले नंबर पे रहा, 3.32% लूज़ किया उसने और उसके बाद नेचर रिफाइनरी 2.94% लूज़ किया और लास्ट में अटक रिफाइनरी ने 1.99% लूज़ करके ऑल नेगेटिव क्लोज हुए हैं। उसके बाद मेरे पास वॉल्यूम्स ऑफ द डे की हैं। वॉल्यूम्स में हमारे पास आज के दिन WTL रहा, उस जिसके बाद यूनिटी है, बाइको है, हम है, KEL है, सो ऑन। उसके बाद जो एडवांस है जिनके अपर लॉक लगे थे अपर लॉक के करीब क्लोज हुए, उनमें हमारे पास रेडको है, GFIL है, FEM है, KOHP है और बाकी सारे भी और मौजूद हैं। साथ साथ डिक्लाइनर्स में आते हैं तो PKGI, PIL, FFLM
TSPL, BGL, ये वो BGL, ब्लूसन ग्लास, ये सारे वो स्टॉक्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना नेगेटिव परफॉर्मेंस आज दिखाई है मार्केट के अंदर। उसके बाद मेरा इंडाइसिस का चार्ट मौजूद है कि सबसे ज़्यादा जो है वो आज क्या परफॉर्मेंस रही है इंडाइसिस की मार्केट में। तो कंपनीज वाइज अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो मेरे पास सबसे पहले फूड एंड पर्सनल केयर का सेक्टर है जिसने 11.82 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स में लूज़ करके -0.90% का चेंज बनाया। और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव लूज़ किया है वो सीमेंट सेक्टर ने किया है -71 पॉइंट्स इंडेक्स में, और इसका जो चेंज है वो नेगेटिव -1.69% मौजूद है। साथ साथ अगर उसके बाद कमर्शियल बैंक है हमारे पास जिसने 68 पॉइंट लूज़ करके अपनी दूसरी सेकेंड पोजिशन ली है, और नेगेटिव इसके 0.66% जो है उसका भी चेंज मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर गेनर्स की बात की जाए तो मेरे पास ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं जिन्होंने 40.808 पॉइंट जो हैं वो आज गेन करके 0.86% का चेंज किया। और चेंज वाइज सबसे ज़्यादा आज जो चेंज दिखने को मिला है वो केमिकल के सेक्टर में 24.56 इंडेक्स में इंक्रीज़ हुए हैं पॉइंट्स, और जो चेंज है उसका वो पॉजिटिव 1.79% का इंक्रीज़ हुआ है। ये थी मार्केट रिपोर्ट, रैप रिपोर्ट की समरी। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई होगी, अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स रिपोर्ट में मौजूद है। थैंक यू।